नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष आवाज न्यूज। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर के मदनापुर थाना पुलिस ने साहसिक पुलिस मुठभेड़ में 2 वर्ष 9 माह से फरार अंतरजनपदीय और 25,000 रुपए के इनामी अपराधी राजेश खां अपने अन्य साथी शाकिर उर्फ पंगा के साथ गिरफ्तार कर अवैध तमंचे कारतूस बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक एहसानंद ने बताया कि आज मंगलवार को थाना मदनापुर पुलिस टीम को सूचना मिली कि पंखाखेड़ा व डरी के बीच स्थित स्कूल परिसर में कुछ संदिग्ध व्यक्ति मौजूद है जो किसी बड़ी घटना की फिराक में बैठे हुए हैं, जिनके पास नाजायज असलाह भी है और उनमें से एक इनामिया अपराधी भी है। पुलिस टीम ने मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पंखाखेड़ा व डरी के बीच सड़क के किनारे स्थित स्कूल के पास घेराबंदी की, जहां 2 व्यक्ति चोरी की योजना बना रहे थे। पुलिस टीम द्वारा दोनों व्यक्तियों को टोका गया तो इनमें से एक व्यक्ति ने पुलिस टीम पर जैसे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा संयम व साहस व आवश्यक बल प्रयोग कर दोनों व्यक्तियों राजेश खां पुत्र मुंशी निवासी ग्राम पंखाखेड़ा थाना मदनापुर तथा शाकिर उर्फ पंगा पुत्र लेटूर निवासी इस्लामनगर थाना मिर्जापुर को हिरासत में लिया है। पुलिस ने दोनों के कब्जे से तमंचे व कारतूस बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही कर न्यायिक हिरासत में भेजा दिया गया है। थाना मदनापुर को एक साहसिक मुठभेड़ में 2 अंतर जनपदीय महाशातिर नकबजनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध असलाह और कारतूस बरामद करने की सफलता प्राप्त हुई है। इनमें से एक जो राजेश खां है, ये थाना अल्लागंज से वांछित चल रहा था और इसके खिलाफ करीब 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं और इसके गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का पुरस्कार भी था। इसी का साथी है शाकिर, जो थाना मिर्जापुर का रहने वाला है और इसकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। इसके विरुद्ध करीब 2 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं और इन दोनों के बारे में एक सूचना थी सटीक कि किसी अपने ग्रुप के लोगों को साथ में लेकर कोई घटना कार्य करने की योजना बनाने वाले हैं। इसी सूचना पर जब पुलिस द्वारा वहां दबिश दी गई तो एक पंखाखेड़ा के आगे एक स्कूल के पास में इनकी लोकेशन थी और वहां उन्होंने पुलिस पार्टी में फायर किया। पुलिस द्वारा बहुत संयम और साहस का परिचय देते हुए आवश्यक बल प्रयोग करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनसे गहनता से पूछताछ की गई है और इसके पूछताछ के आधार पर जो तथ्य अभी प्रकाश में आए उनके आधार पर भी कार्रवाई चल रही है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मदनापुर में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।